आप लोगों को बताती चलो, मगरिब की अज़ान हो गई है, तो अफ्तार का वक्त है। दुआ वगैरह कर लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी लगा सुन तो अभी का मन तो वाला ही रिस्क अफ्तर तो अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक। अब अफ्तार वगैरह करते हैं, खट्टे आलू बनाए हैं, चिकन के समोसे बनाए हैं। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल सईदास किचन एंड ब्लॉगिंग। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत दिन के बाद एक ब्लॉग लेके हाज़िर हूँ। आज मैं आप लोगों को अपने पूरे रोज़े की रूटीन बताऊँगी। तो मैंने तकरीबन शाम में ब्लॉग शुरू किया है, तकरीबन 6 बजे के करीब, आप लोग देख सकते हैं ऊपर टाइम 6 बजने वाला है। अफ्तार वगैरह की तैयारी हो रही है और मैं कोई सेगमेंट देख रही हूँ, मेरा फेवरेट सेगमेंट है कोई सेगमेंट, और बस हम लोग यही सब कर रहे हैं। अफ्तार वगैरह की तैयारी हो रही है और अफ्तार में क्या क्या बन रहा है ये सब भी आप लोगों को बताऊँगी। तब तक के लिए बस हम मेरे ब्लॉग के अंदर बने रहें। 2000 years later हो गया असर की नमाज़, असर की नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं फटाफट, उसके बाद फिर अफ्तारी वगैरह की तैयारी करनी है। असर की नमाज़ पढ़ के आपसे मिलते हैं। तो गाइज़ आप लोगों को बताती चलूँ कि आज हम लोग अफ्तारी में बना रहे हैं हरी मिर्च मैंने भरी है, आलू चाप बना रहे हैं, चिकन का समोसा बना रहे हैं, फ्रूट चाट बना रहे हैं, दही बड़े बना रहे हैं, पापड़ तलाए हैं हमने और खट्टे आलू बनाए हैं। आप लोग सब मेरी वीडियो के अंदर देख सकते हैं। और फर्स्ट रमज़ान से लेकर 21 रमज़ान तक मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी खानों की रेसिपी दे रही थी। आपको अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बस अभी कुछ देर में अफ्तार का वक्त होने वाला है, तो बस आप मेरी वीडियो के अंदर बने रहें। अफ्तार की बिल्कुल पूरी तैयारी कंप्लीट हो गई है, अब आपसे मैं रोज़े के वक्त मिलती हूँ। अभी शरबत वगैरह भी हमें बनाना है, वो सब बना लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको रोज़ा खोलते हुए मिलती हूँ। तब तक के लिए बने रहें। तो आप लोग देख सकते हैं आइस सब मैंने इसमें शामिल कर दी है, क्योंकि मैं जो हूँ ज्यादा समझ रहे हो ना, ठंडा शरबत पीती हूँ, तो मैंने एक्स्ट्रा बर्फ जो है इसके अंदर शामिल कर दिया। अब अफ्तार में आप लोगों से मिलते हैं। 2000 years later आप लोगों को बताती चलो, मगरिब की अजान हो गई है, तो अफ्तार का वक्त है। दुआ वगैरह कर लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी लगा सुन तो अभी का मन तो वाला ही रिस्क अफ्तर तो अल्लाह तेरा शुक्र है मालिक। अब अफ्तार वगैरह करते हैं, खट्टे आलू बनाए हैं, चिकन के समोसे बनाए हैं, हरी मिर्च है, अंडे का पकौड़ा है। अफ्तार वगैरह करते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। 2000 years later तो गाइज़ आप लोगों को बताते हैं, अफ्तार हो गई है, अब जो है मगरिब की नमाज़ का वक्त हो गया है, मगरिब की नमाज़ पढ़ के आप लोगों से मिलती हूँ, अब तक के लिए बने रहें। 5 minutes later आप लोगों को बताते चलूँ, आज सुबह में मेरे मामू मेरे लिए 5 चूज़े लेके आए हैं, 5 कलर के। तो अज़ान वगैरह हो गई थी, नमाज़ वगैरह पढ़ लिया था, सब चीज़ से फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखाऊं। आज ही लेके आए थे तो मैंने सोचा आज ब्लॉग शूट कर रही हूँ तो अपने चूज़े वगैरह भी दिखाऊं। अब इनको भी खाना वाना देने का वक्त आ गया, पानी वगैरह पिलाऊँगी तो वो सब भी दिखाऊँगी। तब तक के लिए आप लोग देखें, 1 2 3 4 5 कितने क्यूट लग रहे हैं। इनको खाना पानी वगैरह देने का वक्त आ गया, तो खाना जो है वो इस डिब्बे के अंदर है, तो देखें थोड़ा थोड़ा सा ना साइड पर डाल देती हूँ तो ये लोग खा लेंगे। देखें कितने भूखे हैं ये लोग, बस ये लोग खाना वगैरह खाते हैं। इनको पानी वगैरह दूंगी थोड़ी देर के बाद, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 2 दफ़ा ही पानी ये लोग पीते हैं, 1 सुबह में 11 बजे और दोपहर में 5 बजे। तो इनको खाना पानी वगैरह दूंगी, तब तक के लिए बस बने रहें। बताया था खाना वगैरह दे दूंगी, उसके बाद पानी दूंगी थोड़ी देर के बाद। तो एक कप के अंदर मैंने पानी जो है वो भर लिया, अब ये थोड़ा सा पानी गर्म कर लेती हूँ। लोग गिराएंगे, बिल्कुल इनके बीच में रख दिया पानी, ये लोग पानी जो है वो खुद ही पी लेंगे इसमें से।
पानी वगैरह पी लेंगे। और मैंने ऐसे ना डब्बे के ऊपर ना ऐसे ऐसे काट दिया छोटी सांस वगैरह इन लोगों की जाए। खाना वगैरह दे दिया अब इन लोगों से, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बस बने रहें ब्लॉग के अंदर। चलो अफ्तार वगैरह कर लिए, उसके बाद काफ़ी थक जाते हैं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। तो टीवी वगैरह में ऐसे ही जीतो पाकिस्तान वगैरह का शो वगैरह देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे और फिर तरावी वगैरह पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम देखें क्या क्या करते हैं। अभी तो टीवी वगैरह ही देख रहे हैं, कोई काम नहीं होता, बहुत थक जाते हैं रोज़ा खुलने के बाद। अब टीवी वगैरह देखते हैं, फिर देखते हैं आप लोगों से मिलते हैं टीवी वगैरह देख के। 2000 years later तो गाइज मैं आप लोगों को बताती चलूं कि आज मैंने बनाई है चिकन बिरयानी, और ये हम लोग खाएंगे सेहरी में, क्योंकि अफ्तारी करने के बाद इतना पेट में जगह नहीं होती कि खाना भी खाया जाए, तो हम लोग सेहरी में ही खाएंगे चिकन बिरयानी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ से भी मेरी ये चिकन बिरयानी की रेसिपी देख सकते हैं। और मैं अब यहीं पर अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। रमज़ान शरीफ चल रहा है, रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा चल रहा है, अब तकरीबन शायद आई थिंक 9 या 8 रोज़े रह गए हैं। तो अल्लाह करे कि आप लोगों के ये रोज़े भी अच्छे से गुजरें। और मैंने आप लोगों को फर्स्ट रमज़ान से लेके लास्ट रमज़ान तक अच्छे अच्छे खानों की रेसिपी देती रही थी, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और आज मैंने अपने अपना पूरा रमज़ान का रूटीन शेयर किया है, मैं पूरा दिन रमज़ान में क्या करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ, कैसे अफ्तारी बनाती हूँ, क्या क्या करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। आपको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे आप लोग सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी या ब्लॉग लेके, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।